नशे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, पंजाब की तरफ से आ रहा है नशा, रोक लगाने के लिए दोनों राज्यों को मिलकर करना होगा काम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत, राष्ट्रपति ने गोद लिए हैं हरियाणा के 5 गांव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का किया धन्यवाद, बोले इन गांव को जल्द से जल्द बनाया जाएगा आदर्श गांव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दिल्ली के हरियाणा भवन में चाइनीज डेलीगेशन के साथ मुलाकात, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुए एमओयू पर हस्ताक्षर, सोहना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दी जाएगी जगह, 10 साल में होगा पूरा प्रोजेक्ट। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का ऐलान, 5 जुलाई को कुरुक्षेत्र में नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों का किया जाएगा विमोचन, 6ठी से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएंगी पुस्तकें। हरियाणा में अब शादी समारोह सार्वजनिक स्थलों या फिर किसी अन्य उत्सव के मौके पर नहीं होगी फायरिंग, हरियाणा सरकार ने लगाई रोक, सभी जिला मुख्यालयों में जारी किया आदेश। ट्राई सिटी में अब ऐप के जरिए मिलेगी सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की जानकारी, चंडीगढ़ के रहने वाले नितिन ने तैयार किया वॉच आउट ऐप, सड़क पर ब्लैक स्पॉट हुआ तो ऐप आपको 300 मीटर पहले ही कर देगा अलर्ट। एक बार फिर सामने आए सीएम और बाली के बीच के मतभेद, बाली की ओर से निष्कासित किए गए एचआरटीसी के कर्मचारियों में से 24 को प्रदेश सरकार ने किया बहाल, मजदूर संघों ने वीरभद्र सिंह को बताया मजदूरों का मसीहा, तो बाली की जमकर की आलोचना, बीजेपी के हाथ लगा मुद्दा। मंडी में पार्किंग में खड़ी निजी स्कूल की बस में अचानक लगी आग, हादसे के समय बस में कोई भी नहीं था सवार, आग लगने की वजह का नहीं हो सका खुलासा। मॉनसून की दस्तक के साथ हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पंजाब हरियाणा में भी कई इलाकों में गिरी बारिश की रिमझिम फुहारें। चंडीगढ़ में मॉनसून की फुहारों से गुलजार हुई सुखना लेक, बड़ी तादाद में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। जीवन में क्या ज्यादा जरूरी है, लक्ष्य या नैतिक मूल्य, देखें डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो शाम 7 बजे।